इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी की गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने लंबे समय तक बिना मुकदमा शुरू किए आरोपी को हिरासत में रखने पर चिंता व्यक्त की है और साथ ही ईडी के कम दोष सिद्ध दर पर भी सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा है कि ईडी का दोष सिद्धि का दर बहुत कम है, अगर ये 60-70% भी होता तो हम समझ सकते थे। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने ईडी के वकील से पूछा है हम उन्हें कब तक रख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी की गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने लंबे समय तक बिना मुकदमा शुरू किए आरोपी को हिरासत में रखने पर चिंता व्यक्त की है और साथ ही ईडी के कम दोष सिद्ध दर पर भी सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा है कि ईडी का दोष सिद्धि का दर बहुत कम है, अगर ये 60-70% भी होता तो हम समझ सकते थे। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने ईडी के वकील से पूछा है हम उन्हें कब तक रख सकते हैं।